धनतेरस के साथ ही मंगलवार से 5 दिवसीय दीपोत्सव त्योहार की शुरुआत हो गई है। धनतेरस के अवसर पर उज्जैन नगर निगम के केंद्रीय आयुर्वेद औषधालय पर महापौर और सभापति ने भगवान धन्वंतरी की पूजा की। धनतेरस के पावन अवसर पर गोपाल मंदिर स्थित पुराना नगर निगम मुख्यालय स्थित केंद्रीय आयुर्वेदिक औषधालय पर प्रतिवर्ष अनुसार की जाने वाली भगवान धन्वंतरी का पूजन किया। साथ ही महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, क्षेत्रीय पार्षद एवं MIC सदस्य रजत मेहता, मंडल अध्यक्ष अजय तिवारी, नगर निगम अपर आयुक्त पवन कुमार सह, उपायुक्त संजेश गुप्ता, श्री योगेंद्र पटेल, डॉक्टर पवन वैख के साथ ही औषधालय के कर्मचारी उपस्थित रहे। निगम सभापति कलावती यादव ने शहरवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर सभी निरोग और स्वस्थ रहे की प्रार्थना की है। भगवान धन्वंतरी जी की आज धनतेरस के दिन जन्म जयंती है और भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता है। वो भगवान धन्वंतरी के साथ साथ ये जो आयुर्वेदिक औषधालय है नगर पालिक निगम का, ये 109 वर्ष पुराना हमारा ये औषधालय है। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है कि इतनी पुरानी परंपरा को नगर निगम निभाता आ रहा है और यहाँ पर प्रतिवर्ष हम भगवान धन्वंतरी की पूजा करके धनतेरस के दिन उनसे आशीर्वाद लेते हैं, आरोग्य का आशीर्वाद लेते हैं कि सभी निरोगी रहें, सभी सुखी रहें। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। आज इस धन्वंतरी जयंती के अवसर पर इस आयुर्वेदिक औषधालय में हमने पूजन करके भगवान धन्वंतरी का सभी निरोगी रहे ऐसा आशीष लिया है और निश्चित रूप से भगवान धन्वंतरी सबको निरोगी और सुखी रखेंगे। मैं सभी को धन्वंतरी जयंती की और आज धनतेरस के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ और सभी के जीवन में यह धनतेरस और यह धन्वंतरी जयंती मंगलमय निरोगी काया के साथ साथ धन संपदा से भी सबको समृद्ध करे, ऐसी भगवान महाकाल से प्रार्थना करती हूँ। इस अवसर पर औषधालय के प्रभारी नेमीचंद चावड़ा, गोकुल मालवीय, मनसुख मेहरवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उज्जैन से सचिन यादव की रिपोर्ट।